हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम अंकित सिंह, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा भी नाम अंकित है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। और MSTCET 2022 के स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं सर फॉर्म वगैरह तो भर दी, अब बताओ आगे क्या करना है। कुछ तो मतलब अब हम लोग को पता नहीं चला क्या करना है। तो जैसे कि आप सबको बता दूँ, कैप राउंड की जो शेड्यूल आई है ना, शेड्यूल पे हमेशा देखते रहो क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो आपको बता दूँ, अब अगर आपने कैप राउंड की फॉर्म भर दी है तो 4 तारीख आपका लास्ट डेट है। अगर सीटी सेल ने आपके रजिस्ट्रेशन डेट को एक्सटेंड नहीं किया तो 7 तारीख को जो है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है आ जाएगी, ठीक है। और मेरिट लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपके ऑल इंडिया रैंक वगैरह क्या है, ठीक है। तो यही अभी मेन आपका सबसे मेन फोकस 7 तारीख को जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद ग्रीवियंसेस, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट कैप राउंड 1। तो जिनका भी फॉर्म भर के हो गया उसको बता दो 7 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका नेम आना चाहिए, और आपको नेम चेक करना है आपका कहाँ पर है क्या नहीं, और फिर आपको जो है आगे फोकस करना है। तो टेंशन वगैरह मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आते ही मैं आपको बता दूंगा। अभी थोड़ा चिल रहो, रिलैक्स रहो, बाकी कॉलेज ऑप्शन का फॉर्म फिलिंग का सोचते रहो क्या कॉलेज लेना है क्या नहीं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।